ये देख लो भाई, बहुत सारे सारे कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन होगी मिट्टी का। पर ये भाई ये क्या, ये क्या, ये देखो क्या मस्त फ्लावर पॉट। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? तो मैं आप सब वेलकम करता हूं फिर से अपने एक नए व्लॉग में। तो गाइस आज देखो मैं अपना व्लॉग शुरू कर रहा हूं भाई सुबह के 9:30 बजे, और अभी मैं कर रहा हूं ब्रेकफास्ट। और गाइस आज देखो ब्रेकफास्ट में बना है आलू की सब्जी, दही, और ये क्या है चिल्ला भाई, अच्छे से उतरा नहीं, पर खा के देखते कैसा बना। बुआ जी जब से ना डेली नई नई डिश बनाते हैं, कल पास्ता बनाया था, आज चिल्ला बनाया, अच्छा बना भाई, मतलब वैसा पूरा नहीं उतरा बट अच्छा बना है। और गाइस ब्रेकफास्ट फिनिश हो चुका है भाई, और आज देखो मैं आपको दिखाता हूँ हमारी गुड्डू का न्यू लुक। हमने हमारे गुड्डू का न्यू हेयर स्टाइल बनाया है और वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये रही हमारी गुड्डू बाल। न्यू लुक देखो हमारी गुड्डू को, कितनी खुश हो रही है। गुड्डू बिल्कुल साफ कर दिया हमने, बिल्कुल साफ। आए कैसा लग रहा है गुड्डू आपको? बाल। कौन ले गया बाल आपके? देख शीशे में देख लिया जाके। गंदी लग रही है गुड्डू। कौन ले गया आपके बाल? बब्बू ने कर दिया। छी गुड्डू चमक रही है वैसे भैया, बाल कटवा के। गर्मी इतनी थी ना तो इसलिए कटवाने पड़े, और अभी कर सकते हैं गुड्डू। अगर स्कूल में जाने लग जाएगी ना फिर हम साफ, फिर हम बाल ही नहीं कटवा पाएंगे कब, फिर छोटे छोटे ही कर पाएंगे। हाँ गर्मी लग रही थी ना, देखो गुड्डू को गर्मी लगती थी बालों में, इसलिए कटवा दिए भाई। और गाइस भाई अब हम आए हैं हमारे खेतों में जो हमारे मेन रोड पे पड़ते हैं, और वेदर देखो भाई कितना मस्त हो रहा है। मतलब बारिश हो नहीं रही बट बारिश वाला वेदर रहता है, और देखने में कितनी ग्रीनरी ग्रीनरी मस्त लग रहा है व्यू। और उधर जो हमारा वो वाला ट्यूबवेल है ना, उसकी भाई डोरी खराब हो गई, और ये लगाने जा रहे हैं वायर वहाँ पे, और देखो पापा और कट गई बीच में से। इधर क्या भाई जीरी बहुत कम, इधर फिर भी ठीक है, इधर वाली जीरी अभी छोटी है हमारी। खेत में आके फ्रेश फ्रेश फील हो रहा भाई, भैया मैं बहुत कम आता हूँ खेत में, पहले तो बहुत बार आता था अब नहीं आता। दीदी से बात हो रही थी भाई पंचकुला में, तो कल से बारिश हो रही है लगातार, मतलब इतनी बारिश हो रही है ना भाई, हमारे यहाँ नाम की बारिश पता नहीं कहाँ गई। चलो वायर लगवाते हैं भाई उधर, और फिर वापस चलेंगे घर यहाँ से। वो देखो गाइस कितनी जोर की बादल आ गया भाई, इधर से तो पूरी जोर के आ गया, लगता बारिश हो रही है सन साइड तो पूरी बारिश, क्योंकि इधर हमारे गांव की साइड देखो नहीं है अभी, और इधर से आ रहा देखो कितनी जोर की आ रहा भाई। चलो मैं सामान लेने आया था भाई थोड़ा बाइक से, वो लेके जाता हूँ वापिस। बारिश अभी कम होगी तभी हम वहाँ से आए हैं, जो हल्की हल्की बारिश के बाद कैसा लग रहा भाई एकदम मस्त। उधर वाले में रह गए थे हम, वहाँ खड़े रहे काफ़ी देर, जब बारिश कम हुई अब आए हैं। चलो भैया बारिश रुकेगी तो यहाँ से चलेंगे नीचे और फिर घर। तो गाइस भाई हम पहुँच चुके हैं घर खेत से, और यहाँ पे देखो भाई रक्षाबंधन की शॉपिंग चल रही है। ये देखो भाई ये तो मस्त मस्त रखी है सारी, ये देखो ये रही ये रही, इधर ये ले रहे शॉपिंग करने लग रहे भाई। ये भी ठीक है भाई सिंपल, अब की बार देखो कैसी कैसी आ रखी, देखो कितनी बड़ी बड़ी आ रखी है। ये भी 12 नहीं है, ये 8 होंगे, 4 पीछे कितने के देख आ रहा। ये देखो भाई ये देखो कैसी शॉप कैसी है मस्त है ना। ये देखो इधर ये रही सारी रखी, कंफ्यूजन हो गए भाई इनको तो कौन सी ले, क्या देख रही है डब्बे में से। 9 से ठीक तो ही है, हाँ तो कौन सी लेगी, बढ़िया सी ले ले कोई, गुड्डू भी तो बंद है, गुड्डू की भी तो लेनी है। ये देखो ये रही गुड्डू अपने भैया को बांध देगी पहली बार भाई, ना ये नहीं ये नहीं और
ये रो ये देख लो भाई, बहुत सारी है, सारी कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होगी। कौन सी ये पसंद, ये भी बॉक्स वाली, ये कौन सी फाइनल करी, ये वाली कितने की आई हो? ये तो ये फिर दूसरी थोड़ी, ये इसकी जगह या ले लो, साक्षी ये कह रही फिर ये भी तो बढ़िया है, ये री देख ये कितने की है भाई। और गाइस भाई हमारी रक्षाबंधन की शॉपिंग तो हो चुकी है भाई, बहुत मस्त मस्त रक्षाबंधन लिए हमने, रक्षाबंधन कह रहा हूँ राखी लिए हमने। और भाई देखो साक्षी और बुआजी और तो डिनर कर रहे हैं अभी, ये देखो ये कर रहे डिनर, इधर ये बैठे और ये बैठी है हमारी गुड्डू। और कल तो रक्षाबंधन है भाई, तो बहुत मजे आने वाले क्योंकि कल साक्षी भी है, गुड्डू भी है और बुआ जी भी है, तो भाई कल तो बहुत मजा आने वाला है क्योंकि गुड्डू को भी पता होगा भाई कल राखी कैसे बांधते हैं, मतलब बांधना तो नहीं आता पर इसको पता होगा भाई राखी बांधनी है। हाँ जी हाँ जी, पानी लाना है, प्याज करी नेस करी पानी। तो भाई कल साक्षी को पूछते क्या गिफ्ट चाहिए, है साक्षी क्या गिफ्ट चाहिए भाई? चलो भाई। और गाइस भाई हम राजस्थान घूम के आए, तो मैंने आपको ये तो दिखाया ही नहीं कि भाई हम वहाँ से क्या क्या शॉपिंग करके लेके आए, तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हम वहाँ से क्या क्या शॉपिंग करके लेके आए हैं भाई, बहुत मजा आने वाला है। तो गाइस देखो पहले भाई हम लेके आए कप, कितना बड़ा कप लेके आए है, ऐसे इस पे ऐसे लग रहा है ना जैसे दूध गिरा हुआ है, ऐसे लग रहा है ना। और भाई सब मिट्टी के बर्तन है, ये देखो सब मिट्टी के बर्तन है, ये साक्षी दिखा रही है देखो, ये क्या है मेरे को तो ये भी नहीं पता भाई, सूप पाउच बाउल, सूप बाउल मैं पाउच कह रहा हूँ गुड्डू क्या ये गुड्डू भाई, मिट्टी के बेटे टूट जाएंगे ये, ये सूप बाउल भाई, ये देखो कप मिट्टी का, पर ये भाई ये क्या, ये क्या, ये देखो क्या मस्त फ्लावर पॉट, ऐसे लग रहा है जैसे सींग निकले हुए है ना गुड्डू, ऐसे लग रहे थे सींग निकले हुए, देखो दोनों पेयर्स में है भाई, किस तरह कितना मस्त लग रहा है, देखो डिजाइन इन दोनों का, एक इधर से डलेगा ऐसे, इधर से ऐसे भाई, ये तो ऐसे फूटने का भी डर लगता है क्यों मिट्टी के ना, दो कप लेके आए थे हम, ये कप भी देखो भाई डिजाइन कितना सही है इसका, मेरे को ये मस्त लगे भाई यहाँ से पकड़ के देखो कैसे लग रहे हैं। और क्या क्या लेके आए भाई, ये क्या है, ये तो वो है ना वो, हाँ मसाला कूटने वाला, नहीं तो पहले जो डॉक्टर होते थे ना वो हकीम वैसे इसमें डाल के कूटते थे ना भाई दवाई, ये तो वैसे वाला है ये है भाई, ये है देखो चम्मच, ओ भाई साहब सही है ना चम्मच, कैसे लग रही है गाइस। ये बेलन लेके आए थे भाई हम, और इनके चकले वहीं भूला है ना गुड्डू। तो गाइस देखो भाई हम इतना सारा सामान लेके आए थे वहां से, सारा मिट्टी का ये, और बहुत ही मस्त मस्त लगा भाई मेरे को तो, और ये मैक्सिमम बुआ जी का है, बुआ जी लेके जाएंगी वहां पे अपने घर, और गुड्डू को तो मस्ती लगे, गुड्डू तो खेल ही रही है इनके साथ चलो गाइज अब भाई डिनर हो चुका है और इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें गाइज, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।